हाय गाइस, क्या हाल सबके। आज मासी को दिखाने वाला हूँ भाई। ये मेरी कार है जो भी आपने कुछ टाइम पहले देखी थी कि फाइनली गोट माई न्यू कार, तो भाई वही कार है। इसके अंदर ना हम सीट कवर और मैटिंग करने वाले हैं। ये दो भैया करें, एक तो कुलदीप भैया और एक सुरेंद्र भैया, और यहाँ पे भुवन भैया के पास मैं कराने आया हूँ भाई स्पेशल, और काफ़ी अच्छे रेट में कर लो भैया। तो भाई ऐसी सीट कवर मिलते जो कम कवर मिलते हैं, जो सिंपल मिलते हैं फैब्रिक वाले, भाई हम कराने वाले हैं अल्ट्रा कम्फर्टेबल सीट कवर। मैं मैटिंग होने वाली है 90 वाली, ठीक है, नीचे बस यही कराने वाला हूँ इसके अंदर, और मैं कुछ नहीं करवा रहा कि यार मतलब एस प्लस है तो इसके अंदर जो म्यूज़िक के मामले में स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल और ये भी आपको ऑटो फोल्ड मिलने वाले हैं। देखो यहाँ से आप एक बटन मिलता है, तो भाई ये भी नहीं लगवाना, मतलब कई अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, बस ये टायर का वो फ़र्क है, बस अलो भी लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा जी नहीं कर रहा लगवाने का, तो अभी अगले साल देखता हूँ अप्रैल के बाद कि अगर इतने इतने जो टायर इनको चलाते हैं कि यार बस ये आगे से, तो भाई इसमें भी कुछ नहीं लगवाना। मतलब भाई अगर आप इसको ना आगे से देखते हो ना, बस ये अलोविल को छोड़ के, मतलब इसमें अलोविल नहीं है, कोई बताया नहीं सकता कि यार कार का टॉप मॉडल है क्या फिर मिड मॉडल है। ये एस प्लस है तो इसको आप मिड मॉडल बोल सकते हैं। इसके ऊपर आते हैं एस एक्स और एस एक्स ऑप्शन आते हैं इसके ऊपर, आपको दो इवेंट और मिलते हैं इसके ऊपर, और भाई भैया से मिलते हैं भुवन भैया से, तो भुवन भैया बताने वाले। क्या हाल है भुवन भैया? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया भैया, तो बताओ आज क्या करने हैं। आज आपकी गाड़ी में स्पेशल वर्कर से स्पेशल काम करवाया जाएगा। अच्छा। जिसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस इनको पहले दे दिए कि किस वे में कैसे क्या चीज़ करनी है, ए टू जेड चीज़ का आपकी विजिट देखते रहेंगे आप भी। तो वैसे गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे धन्यवाद भैया, कैसी लगी आपको? अच्छी चॉइस है, रेंज वाइज चीज़ वाइज अगर हम देखें तो इस टाइम में बजट के लिए भी काफ़ी अच्छी है, मॉडल वाइज भी ठीक है, ठीक है, और हुंडई मच बेटर है। 10 लाख के अंदर क्या चाहिए भैया? सारी मिल गई आजकल, डीजल पेट्रोल में कोई फर्क भी नहीं है ना रेट का? देखो डीजल पेट्रोल में भगवान ने शुरू में रखा होगा, इस टाइम पे कोई फर्क नहीं लग रहा। हम डीजल गाड़ी लेंगे, डीजल गाड़ी की मेंटेनेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद एक लाइफ डीजल गाड़ी की जो बताते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर लाइफ है। पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन का क्या है कि कैसे भी आप इसको यूज़ करो, कहीं भी जाके आप इसको ले जा सकते हो, मेंटेनेंस फ्री कह सकते हैं, और चॉइस काफ़ी अच्छी है। वे कौन से सीट को है कुछ बताओ उसके बारे में, और कहाँ के है वो सीट कवर्स? तो सर आपको पता ही है, आपने सेलेक्ट करे हैं स्पेशल, हमारी इस पर डिस्कशन चल रही थी कि कैसे 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 जो फाइनली आपने सीट कवर सेलेक्ट करे हैं उन सीट कवर्स पे आप बैठ के कितना भी लंबा चले जाना आपको थकान महसूस नहीं होगी, ये कंफर्म है। उस चीज़ का भी सीट्स कवर में आप देखोगे तो आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा, काफ़ी रेस्टफुल है, और चीज़ ऐसी है कि बैठने के बाद आप सोफे पे बैठ गए और ड्राइविंग सीट पे बैठ गए आपको सेम फील आएगी। तो यार भैया काम कर सकते हैं, तो भाई जो पूरी सीट है वो निकाल दी भाई इसके अंदर से, आप देख लो, और मैटिंग होने वाली है तो भाई सब जो मैटिंग है वो कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, स्किंची बिछा देंगे, और भाई देख लो भाई ऐसी कार है भाई, अगर कंपनी चीज़ देती ना तो मज़ा आता यार, कंपनी से ही मिलता, लेकिन बाहर भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और भाई होंडा ये बता मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगता है, देख लो भाई, मतलब अच्छे तरीके से जो ये लॉक सिस्टम है ये देते हैं भाई, मतलब यूरो में क्या होता है कि कहीं भी इतने नहीं मिलते जितने इसमें दिए गए हैं, और भाई जो फिनिशिंग वाइज बात करें ना वो ऐसी नहीं मिलती और कंपनी के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छी मिलती भाई। तो कुलदीप भाई सब इसको निकाल रहे हैं, निकाल लो कुलदीप भैया, तो भाई वो देख लो ऐसे भाई, ऐसा काम होता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा। भाई कार के बारे में बताऊँ ना आपको, तो देखो भाई ये लेदर रैप तो भाई मेरे को मिल रहा है, तो बाहर से नहीं लगवाना आपको, ये 7 इंच की आपको ये डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर, ऑटोमेटिक एसी हो गया, और भाई पेट्रोल इंजन है तो 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, लेकिन जो टर्बो इंजन है वहाँ पे आपको 6 स्पीड मिलता है, हाँ रेस्ट हो गया। तो ये मेरा DL, इसके अंदर DL है, तो भाई DL को बाहर निकाल लेते हैं, तो भाई ऐसा कुछ भाई देख लो इसको, और मैटिंग हो जाएगी इसके अंदर, ये इसके इसके ऊपर ये रेगजिन बिछाएगी। ये किसी केबल भाई? सीट बेल्ट। अच्छा सीट बेल्ट की केबल है ये? अच्छा सीट बेल्ट की केबल है भाई ये भाई साहब भी वहाँ से निकालेंगे जब देखना भाई। तो कुलदीप भैया इसके बारे में कुछ बताओगे, मतलब ये
कैसे लगते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है लगाने के लिए, तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताएं ना जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैंने तो ये आपके सामने है जो भी है कंठे वाले, बहुत बढ़िया सीट कवर है ये पूरे, एकदम आरामदायक बैठने के लिए और बढ़िया। इसमें कितना टाइम लग जाएगा भाई साहब? टाइम तो दो से ढाई घंटे लग जाएगा इसमें। अच्छा हाँ, एक्यूरेट फिटिंग आएगी। फुल बकेट होते हैं नहीं? हाँ फुल बकेट होते हैं भाई, देखने लाभ जब लग जाए। कि भाई मेन दिक्कत पता है इसमें क्या होती है, मतलब मेहनत करने में जो ये वाला हिस्सा है ना, और हमें ये उठा हुआ नहीं होता तो इजीली लग जाते हैं ना। हाँ ये प्लेन नहीं होता भाई, देखो इसकी यहाँ पे कट मारने, बहुत बड़ी बात है भाई। ये इसके अंदर स्टिचिंग होगी कवर की, तभी बकेट फिटिंग आएगी। ये बहुत ही कम लोग लगाते हैं ना। हाँ हाँ, कॉस्टली बहुत होते हैं। हाँ अपने इंडिया में इतना कोई पैसा है भाई लगा के राजी नहीं अपनी कार के अंदर, कुछ नहीं भाई इतना पैसे के लगेंगे यार। ये भाई कॉस्टली बहुत होते हैं, लेकिन भाई अगर आप इस पर बैठ जाओगे ना, आप सोफे को भूल जाओगे चलाने के बाद, नींद ही आ जाएगी चला चलाते। लेकिन भाई गजब के हैं, और भाई इशार के बहुत जो टॉप के जो कारीगर होते हैं ना ये सीट कवर के, उनमें से कुलदीप भाई साहब और ये हमारे सुरेंद्र भैया, ये दोनों इशारे के सीट कवर के अंदर टॉप में आते हैं, इनका नाम बोलते हैं इशारे के अंदर भाई। तो भाई जो ये मैटिंग है वो भैया ने कर दी है, जो गौरव भैया आप देख लो भाई फिनिशिंग कैसी आ रही है, इसको 9D मैटिंग बोलते हैं और गौरव भैया ने की है ये, भाई साहब को देख रहे हैं। हेलो भैया। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया। तो गौरव भैया ने की है, कितना टाइम लगता है भाई इसमें? आधा घंटा लगता है भैया, आधा से पौना घंटा लगता है। तो ये करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? ये तो बिल्कुल करवानी चाहिए भैया, गाड़ी लेने के बाद पहले यही करवानी चाहिए, ये बहुत काम आती है इसकी। नीचे वाला ये कामल, एक तो ये नीचे वाला होता ना इसका कामल, उसमें कुछ वैसे सामान खिंड जाता तो स्मेल हो जाती है उसके अंदर, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये पहले। तो सर फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनके लिए आपने बहुत वेट किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, असल धन्यवाद करते हैं भुवन भैया का कि हमने एक महीना लगा था इसको, मतलब डिसाइड करने में कि यार हम ये लगवाएं कि ना लगवाएं। भैया ने काफ़ी हमें और भी ऑप्शन बताए थे कि आप ये भी लगवाओ, लेकिन हमारा प्रेफर ये था कि हमें बेस्ट जो चीज़ है ना वो लगवानी है, जो भी भुवन भैया ने हमें बताई है, और हिसार के अंदर काफ़ी मशहूर है जो शॉप वगैरह वाले। और भाई जिस प्राइस पर मेरे को मिले हैं तो भाई मेरे हिसाब से हिसार के अंदर आपको कोई और नहीं देगा। हिसार का आप हरियाणा बोल सकते हैं कि हरियाणा के अंदर मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे आपको ये मिलने वाले हैं उस प्राइस पे आपको कोई और नहीं मिल देगा, और काफ़ी हाई क्वालिटी है भाई। और इसमें भी हमें कई मैंने है ना टाइप्स है ना, कौन कौन सी भैया? ये जो सीट कवर का मटेरियल है सबसे हाई एंड हमने चूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने यही डिसाइड किया था कि फाइनली क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फिटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो मैं आपका ये रिव्यू जानना चाहता हूँ कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे ये कितने खरे उतरे हैं? 100 में 100। थैंक यू सर। तो भाई अभी जो अपनी ये वेन्यू है वो तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं भाई, बाहर से मैंने कुछ नहीं लगवाया, काम हुआ है वो है अंदर। भाई आप देख लो, अब आप चेक करो कार का लुक कैसा आ रहा है भाई, है ना गजब भाई। इस लुक के लिए बहुत वेट किया है मैंने, और आज वो लगता है जो मैंने टाइम वेट किया ना इस जो काम के लिए, आज वो टाइम मेरा वेस्ट नहीं हुआ, सही हो फुलफिल हुआ। तो भाई मेरा जो टाइम मैंने इस पर टाइम लगाया है इन सीट कवर के लिए, भाई कार का लुक देख लो भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, कंफर्टेबल लेवल ओसम, मतलब कि यार ऐसी चीज़ आपको भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जो मैंने काम करवाया है भाई। मैटिंग देख लो, 90 मैटिंग भाई, जो मैट है ये मैंने कंपनी से ले लिए थे, विकास कुमार नाम उनका, तो विकास भैया ने मेरे को वहाँ पे दिवा दिए थे और इन होंडे में जहाँ से मैंने कार ली थी। अगर आपको एक कार लेनी है तो मैं भैया का नंबर डाल दूँगा नीचे विकास लिख के, आप उनको कॉल कर लेना। और भाई देखो ये मेरी कार है, तो मेरे को मेरी कार के अंदर ऐसा सामान लगवाना था जो कि एवरग्रीन हो और कभी भी ख़राब ना हो। भाई देख लो क्वालिटी वाइज आप चेक करो भाई, फुल बकेट है भाई ये, आप बकेट नहीं है फुल बकेट में, और भाई अल्ट्रा कम्फर्टेबल, कितना बड़ा नाम है इन जो सीट को इनका भाई, चैन वाले देखो भाई पीछे से आप, ये
चैन देख लो भाई, चैन वाले आपको मिलेंगे भाई। मेन बात भाई अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट कवर भाई, क्या बात है भाई, अजब गजब भाई। ऐसा सीट कवर मेरे हिसाब से आपको कोई और नहीं लगाएगा मेरे हिसाब से भाई। देख लो आप इसको, कुशनिंग वाइज एक नंबर भाई। जो कई सेकंड रो में क्या होता है, ये वाला हिस्सा ना ये नहीं मिलता औरों के पास, जो भैया के पास है भाई। देख लो कुशनिंग वाइज भाई, यार एक नंबर यार, पैसा वसूल चीज़ है ये, वैसे वेस्ट ऑफ मनी नहीं है भाई ये। कभी आप सोच रहे हो भाई ये वेस्ट ऑफ मनी है भाई, कुशनिंग वाइज एक नंबर आपको मिलेगा भाई। थ्रेडिंग वर्क देखो भाई, थ्रेडिंग वर्क कैसा किया गया, और भाई मेन बात है फिनिशिंग, फिनिशिंग आप कैसी मिलती है आप कितना पैसा लगा लो, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपये भी लगा लो, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए भी लगा लो, जब तक आपको उस काम की फिनिशिंग नहीं मिलती ना, आपको स्वाद नहीं आता भाई। भाई जिस प्राइस पॉइंट में मेरे को मिले ना, मेरे हिसाब से सारे के अंदर मेरे को और कोई शॉप नहीं देगी। तो एक बार भैया से जान लेंगे उनका नाम, फ़ोन नंबर और शॉप की लोकेशन क्या रहने वाली है। ऐसी कुछ भाई शॉप ये रहेगी 43, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी आपकी जो कार की सामान है वो मिलने वाली। तो भी आपका नाम, फ़ोन नंबर, शोरूम की लोकेशन क्या रहेंगी? मेरा नाम भुवन है और शोरूम की लोकेशन 4243 न्यू ऑटो मार्केट, भुवन कार डेकोर और हिसार हरियाणा, और फ़ोन नंबर है 9355467800। तो भैया जो आपने मेरे काम किया ना, ये क्या किया कुछ बता दो इसके बारे में। इसके बारे में मैं नहीं, इसके बारे में आप ही बताओगे दादा। मैंने तो मेरे बता दिया, अगर आप अपना बता दो मतलब कैसा। देखो मुझे एक्चुअली, मैं अब आपको सच्चाई बताता हूँ कि जब आपसे डिस्कस हुई कि खुद की अपनी गाड़ी आनी है ऐसी ऐसी, तो मैं मेरे ट्राई में था बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा करने की। तो इसीलिए मैंने, आपने देखा सेपरेट जो जिस परफेक्ट लाइन का बंदा था, वो परफेक्ट लाइन का बंदा आपकी गाड़ी में रखा। संतुष्टि मुझे ये है कि आप संतुष्ट हो, क्योंकि भाई के लिए स्पेशल ध्यान रखना था, तो ट्राई मैंने किया। बाकी संतुष्टि आप ही बता सकते हो कितनी है। मेरा मेन फोकस इस गाड़ी में काम पे नहीं था, मेरा मेन फोकस इस गाड़ी में संतुष्टि पे था, ये बात है।